अरे रुको, मैं तुम्हारा कपड़ा सही कर रही हूँ, रुको रुको। बोला हम लोग आज एकदम अरे जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज हम दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग कपड़ा पहने हैं, पिंक पिंक, ठीक है। और एकदम मैं फुली हुई हूँ, मतलब एकदम गोलू गोलू सी। दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं थोड़ी अच्छी हूँ, ठीक है। और बाहर बच्चे खेल रहे, इसलिए आप लोगों को आवाज आ रही होंगी। उस्मा भी नीचे गई थी खेलने के लिए, लेकिन उसको मजा नहीं आया, इसके लिए वो वापस आ गई। हटा कर मेरे को पकड़ने से कैमरा, ठीक है। तो आज फाइनली बताया आप लोगों को। अरे उस्मा चल जाने, में फिर अभी भी व्लॉग नहीं बनाती, हट जा। से आंग पे लिड़ती रहती। तब मैं यहाँ पे क्या कर रही थी पता, मैं मेथी तोड़ रही थी। कितना 3-4 दिन हो गया मेथी आके, सोची थी मेथी और चिकन बनाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं बनाई। अटरे भाई हाथ दुख रहा है। और हम लोग पता है 2 दिन से क्या कर रहे हैं, तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी ना रमजान की साफ सफाई में लगे हुए थे, घर को साफ किया, थोड़ा अलग चेंज भी हो गया घर। पहले कैसे बाबू का जो स्टॉक था, मतलब जो आता नहीं कि इनका ये जो फार्मा में है, तो मैं बोलती हूँ मेडिसिन वगैरह के बॉक्सेस आते हैं, तो इधर उधर टहलते थे, कभी इधर कभी उधर, बहुत सारे हो गए, लेकिन वो आधा कभी उधर कभी इधर रहता था। तो हम लोग ने एक ही जगह पे अभी उसको रख दिया है, वो पेटी के ऊपर सब। मानती हूँ टीवी के वॉल पे इतना वो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पहले वो कूलर के पास था, कभी आधा ये इधर पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करी, इसको तीनों ट्रॉली को उतार के नीचे रख दी। तीनों ट्रॉली को उतार के नीचे रख दी, और वो बॉक्सों को मैंने ऊपर रख दी कोने पे, ताकि वो इधर इधर टहले नहीं। बाकी मेरा किचन वगैरह साफ हो गया माशाल्लाह से। अरे बड़ी बात नहीं करने दे रही। तो फाइनली और पता है आप लोगों को, मैं देख बताती हूँ। और पता है आप लोगों को, मैंने बस अभी यार मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ। ना आज ना सुबह सुबह ना मैंने ये आम लिए, ठीक है, ये मैंगो गर्म, मतलब आम। बाबू का फोन आ रहा, 2 मिनट। बाबू का फोन आया था, एक्चुअली हो गया, तेल खत्म हो गया घर के अंदर। मैंने नहीं बोला था आप लोगों को, मैं डीमार्ट से राशन लेके आई, तो तेल खत्म हो गया। रुको उसमें, तो तेल लेने गए, चल चढ़े ली। तो मैं बात करूँ कि नहीं? ये देखिए, मैं ना मेथी तोड़ के बैठी थी, तोड़ रही थी। इसमें मेथी है, इसमें कचरा है, और इसमें मेथी के पत्ते। जा भाई ऐसा मत करना प्लीज ना। तो तो ऐसा नहीं करो, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेरे को आम की कहानी सुनाने दे। गर्मी शुरू हो गई है, मैंने अब तक क्या आम नहीं टेस्ट किया बताया। सब लोग आम खा रहे, मैंने आम अभी तक नहीं खाया, क्योंकि आम मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, ढंग के आम ही नहीं मिल रहे। मतलब ऐसे ना होती नहीं, क्या मिले तो नसीब से ऐसे मिलते हैं कि मतलब अंदर से पूरा ऐसा पाउडर पाउडर जैसा टेस्ट आता है, मीठा भी नहीं लगता, खट्टा भी नहीं लगता, एकदम फीका लगता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो किचन वगैरह भी सब साफ हो गया हम लोग का, मतलब ना रमजानिया लिए माशाल्लाह से सफाई हो चुकी है, सारे जाले वगैरह निकल चुके। 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन घर के अंदर काम चालू था। व्लॉग बनाओ मतलब काम तो नहीं रुकता, देखो काम तो करने का अपने को। व्लॉग इसलिए नहीं बनाई कि व्लॉग बनाओ तो ना टाइम लगता है, जो चीज़ हो रही है आधे घंटे में वो टाइम लगता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा सुकून मिल जाए, फटाफट काम हो जाए, थोड़ा बॉडी को रेस्ट हो जाए, मिल जाए, इस वजह से व्लॉग नहीं बना रही थी। तुमको ब्लेड देने के बाद फिर किरकिरी नहीं करना, बात करने देना मुझे, ठीक है। तो उसको ना वो बीज खाने का नहीं, कि जो बचपन में हम बीज खाते थे फोड़ फोड़ के, बता जरा तेरी बीज लाके बता। देखो ये देखो बीज, बता नजदीक से बता तो सही, कौन सी बीज है? देखो ये वाली बीज, सनफ्लावर की बीज। बचपन में खाते थे ना हम, पुनः आप लोग बताना किस किस की फेवरेट थी। मैं तो बहुत खाई बाबा, वो खरबूज की बीज नहीं होती व्हाइट वाली, वो ये ब्लैक वाली बहुत खाए। आता भी है कि छिलने, और मुझे नहीं बोलना छिलके खिलाने, क्योंकि यहाँ पे मेथी तोड़ने के लिए ही बहुत सारी पड़ी है मेरी। तो फाइनली आपके बाबू भाई जन आ गए, तो बाजार वजार भी लेके आए। ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा काम बचा दिया। मेरा काम बच गया ना बाबा,
लेकर आना आते आते सब। क्यों यहाँ पे ना कभी कुछ मिल रहा है कभी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया है क्योंकि 8 बजे के बाद लॉकडाउन है यहाँ पे, तो लॉकडाउन क्या कर्फ्यू जैसा ही है, सब बंद हो जा रहा है फटाक से सब। तो मैंने मंगा ली, क्या पता अभी 2 दिन तो बचे, 2-3 दिन रमजान को बचे, क्या पता कल परसों मिले भी ना मिले। तो इसलिए थोड़ी तैयारी शुरू हो रही है, अभी बची कितने दिन है ना, तो क्या पता कल परसों तो और ज्यादा भीड़ रहेगी मार्केट में, तो इसलिए अपन अपनी तैयारी में है ताकि सब सही रहे। तो ऐसा है, अब आया है बाजार, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि बाजार क्या आया है। और अब जाके वो बीज में थोड़ी बिजी हो गई है, तो मैं आप लोगों को आम की कहानी सुना देती हूँ। मुझे ना आम नहीं खाने मिले, जब से गर्मी शुरू हुई आम नहीं खाने मिले। आज चाली में सुबह में एक आम वाला आया, 2 पेटी लाया, लेकिन दोनों पेटी में 12-12 आम, और एक पेटी बोलता है 450 रुपए की, यानी भाग ऐसे, मतलब 300 रुपए में दोनों देता है तो दे, पहले तो दिया नहीं फिर बाद में पलट के वापिस आया, दोनों पेटी दिया 300 रुपए में। तो इसके अंदर अभी 24 आम है, 24 आम, दोनों पेटी का मैंने एक ही पेटी में करवा ली। लेकिन आम कितने छोटे, 2 मैं खाई ना, तो 2 मैं खाई ना, छोटे छोटे आम है, और कुछ आम तो ऐसे दागीले थे, ठीक है। एक ही आम ऐसा है जो कटा हुआ है, और एक आम ऐसा है, देखिए मैं बताती हूँ आपको कहाँ गया है बाबू, ये तो पक गया है एक ही दिन में, ऐसा लग रहा है। सुबह में ली थी तो कड़क था, अभी ली तो अभी है तो नरम है, ये देखिए कुछ चपटा, हाँ नरम हो गया सही में पक गया, कलर भी थोड़ा बदला हुआ दिख रहा है, इतना जल्दी पक जाता है। हाँ नहीं, हाँ दूध लेके बाबू जा रहे, तो अभी वो जा रहे दूध लेने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि बाजार क्या क्या आया है। ओके अल्लाह, तो ये देखिए कांदा मंगाया मैंने 2 किलो, अच्छे बड़े बड़े कांदे लेके आए माशाल्लाह, बोली थी मैंने बड़े बड़े ही मंगल ले लो ताकि टेंशन ना रहे, अभी तो भजिए वगैरह के लिए रहना चाहिए ना घर के अंदर कांदा, समझ लो मतलब रमजान से 2 दिन पहले मैं पूरी प्रिपरेशन करके रख रही हूँ ताकि टेंशन ना रहे। मुझे मालूम है यहाँ पे भीड़ लगने ही वाली है, ये कन्फर्म है, ठीक है। 1 किलो बटाटे, और ये बटाटे क्यों मंगाई पता है, वो जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, देखो मेरी शॉर्ट वीडियो में चीज बॉल मैंने शेयर किया था, स्टोरी क्या स्टोरी थी कि शॉर्ट वीडियो था, तो कुछ लोगों ने ना शक किया कि ये आपने नहीं बनाया है, ये किसने बनाया बताओ, वो मैंने ही बनाया था घर में, वो होममेड था, ठीक है, बाहर का नहीं था। वो हम लोग खाते वक्त मुझे ऐसा लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे क्या दिमाग बोला पता नहीं, मैंने अपने मसाले डाल के इंडियन मसालों से एक ऐसी चीज बनाई, लेकिन माशाल्लाह क्या बना पता है, उसमें कोई ओरेगानो फोरेगानो कोई मतलब ऐसी चाइनीज फ्लेवर है ही नहीं, अपने घर के मसालों से वो बनाई थी, इतना मस्त बना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए मैंने वो इतना शॉर्ट वीडियो डाला था कि कितना मस्त खुल रहा है, खोलते टाइम पे इतना चीजी मजा आया था खाने के लिए। तो कुछ लोगों का वहम था कि वो मैंने नहीं बनाया, तो नहीं वो मैंने बनाया, और मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ बना के शेयर करने वाली हूँ, ओके। इसलिए मैंने आलू मंगाया, और बाप रे ये जब भी लाएंगे ना ये चोली इतनी सारी लेकर आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं खाता इतनी चोली लेके आते, ये इतनी चोली कौन खाता बताओ, ये अभी कितना टाइम बन जाएंगी, गड्डी रहोगी कितनी मोटी है, इतनी चोली कौन खाता है, ये जब भी लाएंगे ना इतनी सारी लेके आ जाते, गवार आइए, ठीक है ठीक, और साथ में टमाटर, पत्ता गोभी, हरा मसाला, कोतमीर, ठीक है, तेल, तेल आया 3 किलो तेल मंगाई हूँ, लहसुन और नींबू, और ये कुछ रमजान पिछले साल लॉकडाउन था पता है ना आप लोगों को, कि कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ राशन नहीं मिल रहा था, तो कुछ कैसे मिलेगा, अभी तो चलो फिर भी टाइम के मुताबिक अपन जाके भाग भूक के लेकर आ सकते कि हाँ चलो इतने बजे से पहले, 8 बजे बोल रहे तो लोग उससे पहले ही बंद कर दे रहे, लेकिन दिन में भी कुछ चीजें कहीं नहीं मिल रही है, मतलब राशन भी महंगा हो गया है हम लोगों के इधर पे, जो प्राइस पहले था अब तो मतलब बहुत महंगा ही बिक रहा है, ठीक है। तो मैंने ना अभी इस बार लास्ट टाइम मैंने कस्टर्ड पाउडर घर में बनाया था, होममेड कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इस बार मैंने कस्टर्ड पाउडर वगैरह मंगा लिया। ये क्या है, इंस्टेंट चाइना ग्रास मिल्क जेली, ठीक है, ये मैंने मंगा लिया, और ये क्या है, इंस्टेंट चाइना ग्रास, ये भी पिस्तासो मिल्क जेली, जबकि मैंने ये नहीं मंगाया था, ये मुझे वापस करना पड़ेगा,
मैंने ये वाटर जेली नहीं होती है, वाटर जेली जो पानी में पाउडर डाल के बनाते हैं वो मैंने मंगाया था, ये मिल्क जेली है, दूध में डालना पड़ेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मैं वापस करूंगी, मुझे नहीं पसंद ये चाइना ग्रास बॉयल फाइनल पीस, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये दूध वाला, ये मैं वापस कराऊंगी, फोकट क्यों पैसे वेस्ट करूँ मैं अपने, है ना। तो साथ ही साथ मैंने मंगाया ये क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ठीक है, और ये कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, ये मैंने मंगा लिया। लेकिन ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ये काफी बड़ा बड़ा पैकेट दुकान वाले ने दे दिया, ये लोग बहुत शाणे लोग हैं मालूम, छोटा छोटा देने की जगह उसने इतना बड़ा बड़ा दिया है, जानबूझ के करते लोग ये सब दुकान वाले लोग, ले आदमी ज्यादा आया कुछ मालूम तो रहता नहीं, उठा के दे दो, औरत ज्यादा रहती ना बराबर इन लोगों को बोलती है ये नहीं वो नहीं, चालू रहता ना अपना, तो ऐसा है। ये तो मैं वापस करूंगी, कितने का दिया ये, 46 रुपीस का एक है, और ये भी 46 रुपीस का है। दूध वाली जेली नहीं बनाना था मुझे, वो वाटरी जेली नहीं होती कलरफुल वाली, वो चाहिए थी, मैं वापस करूंगी ये, ठीक है। और वापस करने से पहले अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि भाजी ये मत वापस करो अच्छा रहता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दो दिन से वैसे भी आप लोगों को व्लॉग नहीं मिला, तो मुझे कमेंट आना शुरू हो गया है कि नाज़िया भाजी कुछ तो भेजो, हम लोग आपको मिस कर रहे हैं। तो लीजिए ये वीडियो पेशे खिदमत है, ठीक है, आप लोग ये वीडियो वॉच कीजिए और आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए ये कैसा रहता है, ये रखूँ कि नहीं, मिल्क में ये चाइना ग्रास इंस्टेंट चाइना ग्रास डालो, केसर पिस्ता फ्लेवर की जेली बनेंगी बोलते, देखो दूध वाला है लेकिन ये, आप लोग मुझे बताना ये रखूँ कि वापस कर दूँ फटाफट कमेंट करके। और दूसरा अब इसका नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं जब मैं किचन में जाती हूँ सालन बनाने इंशाल्लाह, ठीक है, चलिए फिर अल्लाह हाफिज़ बाबा, अपना ख्याल रखना, बाय, लव यू ऑल। और एडवांस में बता देती हूँ, बोल देती हूँ रमजान मुबारक आप लोगों को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के घर की सफाई हो गई क्या, मैंने तो ऑफ कैमरा कर ली है ना, चलिए बाय बाय।